मौत की घाटी बाहरी घाटा भाग दो। पिछले भाग यानी कि भाग एक में हम सब ने देखा कि कलेक्टर नहीं मान रही थी पीए के समझाने के बाद भी। उस भूतिया स्थान पर भी वो एक कैंप बनाना चाहती थी। पीए ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। वो इस सब को अंधविश्वास समझ रही थी। लेकिन फिर जो हुआ वो हम सब आज हम आपको भाग दो में बताने वाले हैं। तो उसने इको टूरिज्म कैंप शुरू करने के कुछ दिनों बाद एक निजी विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रशिक्षण में कार्यक्रम के तहत कुछ स्टूडेंट का ग्रुप यहाँ एजुकेशनल टूर पर आया। राजपुरा के निकट जंगल के बीचों बीच उनका इको टूरिज्म कैंप लगाया गया। उस जगह की सुंदर रमणीय प्राकृतिक आभा सभी का मन मोह लेने वाली थी। 10 स्टूडेंट के इस ग्रुप में 6 लड़के और 4 लड़कियां शामिल थे। उनके साथ एक प्रोफेसर भी थे। ये लोग यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और यहाँ पैदा होने वाले धब नामक औषधीय वृक्ष के बारे में, यहाँ की मिट्टियां और जलवायु की दशाओं आदि का अध्ययन करने आए थे। सब यहाँ आकर बहुत खुश भी थे। लेकिन उन सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो थे हमारे कलेक्टर साहब कमल जी। वे खुद इन लोगों का स्वागत करने यहाँ आए थे। आज उनकी कोशिश जो रंग लाई थी, आज तक जिस जगह को लोग शापित और मनहूस मानकर दिन में भी यहाँ से गुजरने से कतराते थे, वही आज ठीक इस भयानक जंगल के बीचों बीच इतने लोग 5 दिन के टूर पर आए थे। ये देखकर वो फूले नहीं समा रहे थे। वही गुप्ता जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। गुप्ता जी ये पीए हैं जो उन्हें समझा रहे थे, पर अब उनके वश में कुछ भी नहीं था। कलेक्टर साहब ने थोड़ा टाइम प्रोफेसर साहब और उन स्टूडेंट के साथ बताया और फिर शाम घरने से पहले सिरोही लौट गए। अब वहाँ उस खौफनाक जंगल के बीचों बीच वे 11 लोग थे। हर खतरे से अनजान अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने काम में लगे हुए थे। रात को अंधेरा घिर जाने के बाद सब लोग कैंप फायर जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठ गए, अपने प्रोफेसर के दिशा निर्देशों को सुनने लगे। प्रोफेसर उन्हें सारी गाइडलाइंस बता रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, जंगल में अकेले कहीं नहीं जाना है, वगैरह वगैरह। तभी अचानक उन लोगों को किसी के आने की आहट सुनाई दी। आहट सुनकर प्रोफेसर साहब सबको शांत रहने का संकेत करते हुए बोले, सब शांत हो जाओ, लगता है शायद कोई आ रहा है। उन्होंने कहा, हाँ सर, किसी के आने की आहट तो सुनाई दे रही है, पर यहाँ जंगल के बीचों बीच इतनी रात को कौन आ सकता है, एक स्टूडेंट प्रिया ने उससे पूछा। पता नहीं प्रिया, पर कोई तो जरूर है, बे प्रोफेसर साहब बोले, यहाँ पर कोई तो जरूर है। हाँ हाँ हाँ, कोई जानवर होगा सर, और कौन हो सकता है। आधी रात को इस जंगल में हंसती हुई एक लड़का दीपक बोला, नो दीपक, इट्स नॉट बी फनी, ये कोई मजाक नहीं है, कोई तो है। ये आवाज किसी जानवर के चलने की नहीं बल्कि इंसानी कदमों के चलने की है, वो भी एक नहीं शायद 5-6 लोगों के चलने की आवाज है, शिवम ने कहा। शिवम ठीक कह रहा है, ये एक नहीं एक साथ 4-5 लोगों के चलने की आवाज है, प्रोफेसर साहब ने ये बोला। तो फिर वे लोग कौन है सर, और अब तक आए क्यों नहीं, नीलम ने पूछा। पता नहीं, शायद कोई आदिवासी लोग हो जो यहाँ आसपास कहीं रहते हैं, प्रोफेसर साहब बोले। लेकिन सर जहां तक मुझे पता है सिरोही भायरी घाटा के जंगलों में कोई आदिवासी जाति नहीं रहती। यहाँ आने से पहले मैं इस जगह के बारे में रिसर्च कर चुकी हूँ, इस टाइम मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट सर बट क्या रुचिका, प्रोफेसर साहब ने रुचिका से पूछा। एक्चुअली सर वो सर, अरे रुचिका बट से आगे भी बढ़ो बेटा, प्रोफेसर साहब हंसते हुए बोले। लगता है सर इस जंगल में आने के बाद डर के मारे रुचिका जी की जबान ही अटक गई है शायद, हा हा हा, रुचिका की खिल्ली उड़ाते हुए दीपक बोला। जस्ट शट अप दीपक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुचिका का मजाक उड़ाने की, दीपक पर भागते हुए राहुल ने कहा। राहुल के इस बिहेवियर को देखते सब सोब हो गए, रुचिका भी अनकंफर्टेबल हो गई, सब उसके
तथा राहुल की तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वहां का माहौल एकदम शांत सा हो गया था। प्रोफेसर साहब यौवन के इस जोश को समझ रहे थे और साथ ही अचानक सबके सामने अपने लिए राहुल द्वारा किए गए इस प्रतिकार से असहज रुचि की मनोदशा भी उनसे छिपी नहीं थी। इसलिए माहौल को फिर से नॉर्मल करते हुए वे बोली, वी साइलेंट एवरीवन। हाँ तो रुचिका, तुम कुछ पता नहीं थी? उन्होंने कहा। जी सर, एक्चुअली जहां तक मैंने सुना है ये जगह नॉर्मल नहीं है, वो बोली। रुचिका के मुंह सी ये बात सुनकर सब शॉक्ड होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रोफेसर साहब भी कुछ समय तक कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर रुचिका कहना क्या चाहती है। इसलिए उन्होंने फिर उससे पूछा, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो रुचि? सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आप सबको कैसे बताऊं। एक्चुअली सर, लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है, मतलब सर, लोगों का मानना है इस बाहरी घाटे में बुरी आत्माओं का वास है। ये जगह साबित है सर, उसने कहा। व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो रुचिका? बड़ी देखी, वे एजुकेटेड होने के बाद भी तुम ऐसी नॉनसेंस बातें कर रही हो, मुझे तो विश्वास नहीं होता, प्रोफेसर साहब बोले। हा 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 हा, अब ऐसे लोग भी पीएचडी करके प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। दीपक ने एक बार फिर रुचिका की हंसी उड़ाते हुए कहा। दीपक, मैं छोड़ू नहीं तुझे, कहते हुए राहुल दीपक पर झपट पड़ा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। प्रोफेसर साहब और दूसरे लड़कों ने बीच बचाव किया और उन दोनों को अलग किया। प्रोफेसर साहब ने उन दोनों को खूब डांट भी लगाई और आगे से ऐसा ना करने की स्पष्ट वार्निंग भी दे दी। इस सब हंगामे के बीच सब उन कदमों की आवाजों को भूल गए। प्रोफेसर साहब ने भी मीटिंग ओवर करके सबको सो जाने का आदेश दे दिया। सब अपने अपने कैंप में आकर सो गए। एक्चुअली राहुल और दीपक के झगड़े में उन लोगों के मन में पैदा हुआ डर कहीं गुम सा गया था। सब लोग लगभग उन आवाजों को भूल से गए थे। रुचिका और ग्रुप में शामिल तीन और लड़कियां चारों एक ही बड़े से कैंप में सो रही थी। उनका कैंप बाकी के ग्रुप कैंप जिन साहब और ग्रुप में शामिल बॉयज रुके हुए थे उनके ठीक बीच में था, ताकि वे शेप रहे और रात घबरा नहीं। सब लोग अपने अपने कैब में सो चुके थे, पर रुचिका अभी भी जागी हुई थी। उसके दिमाग में राहुल के द्वारा किया गया अग्रेसिव बिहेवियर घूम रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल ने उसके लिए अचानक ऐसा क्यों किया। उसके दिमाग में यही सब घूम रहा था कि तभी उसे वापस वही कदमों की आहट सुनाई दी। ये आवाजें सुनते ही उसका दिल बैठ गया, जो डर उसके दिल दिमाग में मिट चुका था। उसने फिर अंगड़ाई दी। डर के मारे रुचिका ने अपनी चादर माथे एक एक तक खींच ली और उसके दबक कर सो गई। पर वो आवाजें तो निरंतर तेज ही होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ लोग तेजी से चलकर उनकी तरफ आ रहे हैं। अंततः जब उससे सहा नहीं गया तब उसने हिम्मत करके अपनी फ्रेंड प्रिया, स्नेहा और नीलम को जगाया। फिर आगे क्या हुआ होगा दोस्तों, क्या है वो आखिर, को किसके कर्मों की आहट है और रुचिका और गर्ल्स और इस सब कैंप के साथ आगे क्या होने वाला है? यदि आप जानने के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए अगला पार्ट जल्द ही लाएंगे। और यदि आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।